हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ग्रामर की एक्सरसाइज लेकर आया हूं जो कि नाउंस के रूल्स पर बेस्ड है। एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके TGT और PGT दोनों एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से काम आएगी, तो सभी क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको रूल्स भी बताऊँगा, प्रत्येक सेंटेंस को एक्सप्लेन करूँगा विद रूल्स। आप चाहे तो एक नोटबुक भी अपने पास रख सकते हैं और जो रूल मैं बताऊं उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक सेंटेंस में 4 पार्ट होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। एग्जाम में भी इसी तरह से आता है कि इन 4 पार्ट में से आपको ग्रामर के रूल को फॉलो करते हुए ये पता लगाना है कि कौन से पार्ट में गलती है, और जिस पार्ट में गलती होगी वही आपका सही आंसर होगा, यानी कि वही आपको मार्क करके आना और उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द क्वेश्चन फर्स्ट इज, कैन नॉट यू सी दैट द कैटल ए पार्ट इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये बी पार्ट, सो यू कैन नॉट प्ले देयर, ये सी पार्ट, और डी है नो एरर। तो देखिए, पहले मैं रूल एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, लेकिन इनमें कभी भी एस या ES का यूज नहीं होता। तो आप इन्हें नोटबुक में अपनी नोट कर लीजिएगा, कैटल, कैवलरी, क्लर्जी, जेंट्री, पॉल्ट्री, पुलिस, यूथ, वर्मिन। ये सभी जो होते हैं नाउन, ये हमेशा प्लूरल में होते हैं, लेकिन इनमें एस या ES का यूज नहीं करते, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो अगर हम रूल को देखें तो यहाँ बी पार्ट देखिएगा, बहुत ध्यान से इज आ रहा है, तो इज की स्थान पर यहाँ पर आर का यूज होना चाहिए, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैटल यहाँ पर प्लूरल है, तो इज की जगह क्या आएगा, आर। तो आपके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ दोज कैटल्स आर योर्स, हुज आर दीज वंस। अब देखिए, इसमें तीनों पार्ट में कौन से पार्ट में मिस्टेक है। अभी मैंने आपको रूल बताया था कि कैटल में कभी भी एस या ES का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर ए पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ पर कैटल्स की जगह कैटल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल, इवन दाउ ही हैज नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। यहाँ पर जेंट्री वर्ड है, जेंट्री वर्ड भी प्लूरल में यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है डज नॉट, वो गलत है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज होता है, डज नॉट का नहीं। तो एरर आपका ए पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर फोर, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। देखिए, बहुत ध्यान से सेंटेंस को देखेंगे तो बी पार्ट में और सी पार्ट में कहीं पर भी मिस्टेक हमें नहीं दिखाई दे रही, तो कौन से पार्ट में फिर मिस्टेक होगी, ए पार्ट में। वो मिस्टेक क्या होगी, यहाँ पर इन प्लेस ऑफ हैज वी मस्ट यूज हैव, हमें हैज के स्थान पर हैव का यूज करना है, क्योंकि पुलिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ प्लूरल नाउन, पुलिस जो है कंसिडर्ड किया जाता है प्लूरल नाउन के रूप में, तो यहाँ हैज की जगह हैव आएगा, यानी कि ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीजेस, वर्मिन भी प्लूरल में यूज होता है। अब प्लूरल में जब ये यूज होता है तो सी पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कैरीज आया, कैरीज यानी कि कैरी जो वर्ब होती है उसका एस या ES उसमें प्लेस करके ये कैरीज बनाया गया है, जबकि आपको सभी को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के साथ कभी भी वर्ब में एस या ES का यूज नहीं होता, तो यहाँ कैरी होना चाहिए था जो कि नहीं है, इसलिए सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसीस ऑफ एडवाइसिस विच हैव रियली प्रूव्ड एलिजिबल टू मी, डी नो एरर। यहाँ पर देखिएगा कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट ए में मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है, एडवाइसिस, इंफॉर्मेशन, सीनरी, फर्नीचर, आयन, गोल्ड, हेयर, बैगेज, लगेज, गार्बेज, पोइट्री, स्टेशनरी, फील्ड, वर्क, वुड, पेपर, ग्लास, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। इट मीन्स वी नेवर यूज एस और ES विद दीज नाउन्स, हम इन नाउन्स के साथ कभी भी एस और ES का यूज नहीं करते, तो यहाँ पर एडवाइसिस की जगह एडवाइस आना चाहिए था जो कि नहीं है, इसलिए ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा, दीज फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दिस इज वाई दे आर सो एक्सपेंसिव। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, दीज फर्नीचर्स, फर्नीचर जो है वो हमेशा कलेक्टिव नाउन यानी कि सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है, और
इसमें SAS का यूज़ नहीं करते, ये फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर होना चाहिए और दीज की जगह यहाँ दिस होना चाहिए। तो दिस फर्नीचर इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, ये होना चाहिए था, यहाँ पर आर की जगह इज होगा, तो ए पार्ट में मिस्टेक है। शी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मिशअप, हाउ एवर शी डिड केयर इवन एन आइटा फॉर इट। अब देखिएगा यहाँ पर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें ए और एन यूजलेस है, बेकार है, गलत है, इसको यूज ही नहीं करना है हमें, ना ए करना है ना एन यूज करना है, तो यहाँ पर एन की मिस्टेक है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर एट अंधेरी टुमोरो। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बी पार्ट में एक वर्ड आया है क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एक चौथाई, QUARTER एक चौथाई, लेकिन इफ वी प्लेस एस विद दिस वर्ड, अगर हम इसके साथ एस का यूज कर लेते हैं तो ये हमारा निवास स्थान बन जाएगा, यानी कि एक रूम जहां हम रहते हैं उसे क्वार्टर्स बोलते हैं, ना कि क्वार्टर, तो यहां क्वार्टर्स होगा तो ये करेक्ट होगा, इसलिए बी में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क यू अबाउट द इंडियन फोर्स। अब देखिए इंडियन फोर्स, भारतीय बल, भारतीय बल ना होकर भारतीय सेना होना चाहिए, तो यहाँ पर फोर्स की जगह फोर्सेस करना पड़ेगा, फोर्सेस, जब भी फोर्स की कहीं बात आए, सेना की कहीं बात आए, तो आप फोर्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, फोर्सेस वर्ड यूज करेंगे, तो यहाँ पर सी में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मैनी टाइम्स टू एडमायर द वर्नल सीनरीज फ्लैंकिंग अलोंग द मैकेडमाइज्ड रोड्स। अब देखिए यहाँ सीनरीज आया, मैंने भी बताया था कि सीनरी में, इंफॉर्मेशन में गुड, पेपर, ग्लास, फर्नीचर, इन सभी में एस और ईएस का यूज नहीं होता, तो यहाँ पर सीनरीज की जगह यहाँ पर सीनरी यूज होगा, क्या होगा, सीनरी, यानी कि एस और ईएस हट जाएगा और सीनरी वर्ड यूज होगा, इसका मतलब यहाँ पर सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 12, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मैनी शॉप्स डू यू यूज इन अ मंथ, नो एरर। शॉप्स ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर शॉप्स की जगह सोप आएगा, SOAP, एस इसमें से हट जाएगा क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है, हाउ मैनी वर्ड यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर शॉप्स नहीं आएगा, सोप आएगा, अगर करना भी है तो हाउ मैनी लॉव्स ऑफ सोप या ये आना चाहिए, लेकिन शॉप्स एस नहीं आएगा, तो यहाँ पर बी पार्ट में मिस्टेक है। डोंट यू नो हर एंगर्स इज अ डेंजरस एज द फ्लेयरिंग फायर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एंगर्स, एंगर्स एक नाउन है और ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम कभी भी एस और ईएस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि भावात्मक होता है, इसमें भाव प्रकट होता है ना, प्लेजर है और एंगर है, ये सब भाव है और भाव में हम कभी भी एस और ईएस नहीं लगाते, तो यहाँ पर एंगर्स की जगह एंगर होगा, ए पार्ट में मिस्टेक है। कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट बिकॉज आई एम सो हंग्री दैट 1 or 2 वॉन्ट डू एट ऑल। कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट। देखिए ब्रेड भी अनकाउंटेबल नाउन है, रोटी के लिए हम यहाँ पर जो ब्रेड है अनकाउंटेबल है, इसमें एस और ई एस का यूज मतलब नहीं करेंगे, है ना, क्या बताया मैंने कि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए काउंटेबल बनाने के लिए इसमें 5 ब्रेड्स के स्थान पर 5 लोव्स ऑफ ब्रेड हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अ फ्यू डेज एगो शी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडवाइसेस हाउ टू गिव अ मेक ओवर टू लाइफ। अब ये तो आपको मैंने अभी ऊपर बताया था कि एडवाइसेस में एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता, इसलिए यहां पर एस और ईएस नहीं आएगा, तो बी पार्ट में मिस्टेक है। कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। 16 में देखिएगा, 16 में कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड नाउन है, और जब भी कंपाउंड नाउन होता है तो इसमें एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन जो मेन वर्ड होता है उसी में एस या ई एस लगाया जाता है, जैसे कि कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, सपोज मेड सर्वेंट है तो इसमें मेन है सर्वेंट, नाउन जो है सर्वेंट है, तो यहाँ पर सर्वेंट्स में हो जाएगा। ऐसे ही जब भी कोई प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन से पहला जो वर्ड होगा उसमें एस लगेगा, जैसे पासर बाय तो पासर्स बाय, लूकर ऑन, यहाँ देखो ऑन प्रीपोजिशन आ रही थी, उससे पहले नाउन जो आया लूकर्स ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए स्टेपसन है, स्टेपसन, सन जो है इसमें मेन नाउन है तो सन्स में,
सन में ऐसा लग जाएगा, सन्स हो जाएगा। ऐसी बेडरूम्स है, रूम रूम में ऐसा लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिस्टर इन लॉज ना होकर क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर मेन नाउन है, ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, इस तरह से ये वर्ड बनते हैं हमेशा। तो हाँ, आप देखिएगा यहाँ पर कमांडर इन चीफ की जगह क्या आएगा, कमांडर्स इन चीफ, यानी कि यहाँ पर ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बहुत ध्यान से। ओनली टुडे आई हैव कम टू नो दैट सनी हैज़ टू सिस्टर इन लॉज। अभी भी बताया था मैंने, सिस्टर इसमें मेन नाउन है, तो सिस्टर में एस लगाएंगे तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, ये जो लॉज में से ऐसे वो हट जाएगा और सिस्टर में लग जाएगा, यानी कि सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 18, शी वॉज ग्रेटेड बाय ऑल द पासर बाइज नियर मी। अभी बताया था पासर बाय में ना एस बाय से हटेगा, वो किस में लगेगा, पासर में, पासर मतलब गुजरने वाला, तो पासर बाय ये नाउन हो गया और इसमें एस लगाएंगे तो पासर्स बाय हो जाएगा, यानी कि एरर जो है वो बी में है क्योंकि यहाँ पर पासर में एस लगना है। क्वेश्चन नंबर 19, द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इश्यूड 5 समन्स अगेंस्ट हिम सो फार बट ही हैज अटेंडेड टू नन ऑफ देम। 19 क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर समन्स के स्थान पर समन्सिस का प्रयोग होगा। समन्स जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें इसमें समन्सिस करना पड़ेगा, समन्सिस, है ना, एस यू डबल एम ओ एन एस ई एस, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मिस्टेक यहाँ कहाँ है, ए में। क्वेश्चन नंबर 20, मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। अब देखिए, जब भी किसी भी सब्जेक्ट की विषय की बात आए, जो पढ़ते हैं हम विषय, जब भी विषय के रूप में आपका कोई भी सब्जेक्ट यूज किया जाएगा तो वहाँ पर वो सिंगुलर होता है और आर की जगह वहाँ पर इज यूज करेंगे, तो यहाँ पर आर की जगह इज आ जाएगा, तो ए पार्ट में मिस्टेक है। अब यही बात देखिए 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आया 20 में और 21 में भी आया, लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट होगा और उसमें आपका पजेसिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा, जैसे हिज, हर, योर, माई, आर, इनमें से कुछ भी हो, तो तब ये प्लूरल बन जाता है। तो ऐसे केस में इज की जगह वहाँ पर आर आना चाहिए, तो यहाँ पर ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 22, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनसफिशियंट। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, यहाँ पर पॉलिटिक्स मेन सब्जेक्ट है, ना कि इंडिया, है ना। जब भी वेन आवर टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद एनी प्रीपोजिशन, द फर्स्ट नाउन इज ऑलवेज सब्जेक्ट। जो पहला सब्जेक्ट नाउन होता है वही सब्जेक्ट होता है। पॉलिटिक्स यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स में इज की जगह यहाँ पर आर आना चाहिए, तब ये करेक्ट हो जाएगा। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर वेरी पैथेटिक बिकॉज, यानी कि ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 23, शी हैज़ ओनली टू इश्यूज वाइल हर सिस्टर हैज़ फोर ऑफ स्प्रिंग्स। इश्यूज, जब भी बच्चों की बात हो, आपकी संतान की बात हो, तो संतान के लिए हम इश्यूज वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह आप चिल्ड्रन यूज करेंगे। तो यहाँ पर टू इश्यूज की जगह क्या आएगा, चिल्ड्रन आएगा, तो ए पार्ट में मिस्टेक है। मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स बट अर्लियर इट वॉज नॉट लाइक दैट। इसमें देखिए जो बी पार्ट है, ब्रिक्स, ब्रिक्स जो है ये आपका मटीरियल नाउन है। कैसा नाउन है, मटीरियल नाउन है, और ये हमेशा अनकाउंटेबल है, और जब ये अनकाउंटेबल है तो इसमें एस और ई एस जोड़कर इसे नहीं बनाया जा सकता प्लूरल नाउन, तो इसमें एस और ई एस गलत होता है, तो आप इसमें से एस हटाएंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, इसलिए एरर है इसमें, ये बी पार्ट एरर है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट शी टोल्ड मी टू आस्क यू दैट व्हेन एवर यू गो टू मार्केट डू गेट हर सम फ्रूट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में सी पार्ट में देखिए फ्रूट्स आया है। फ्रूट्स, जब भी फ्रूट एक भोजन के रूप में यूज किया जाए तो उसे हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ये एक भोजन के रूप में, एक मील के रूप में यूज किया जा रहा है ना, तो ये फ्रूट्स गलत है। यहाँ पर फ्रूट्स की जगह केवल क्या आएगा, फ्रूट आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नाउन्स, नाउन्स पर आधारित थे, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने इन क्वेश्चंस को बड़ा ब्रीफली आपको समझाया है, और इन्हें बहुत अच्छे से आप करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। वीडियो को कई बार 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 सुनें और देखें,
ताकि ये बहुत अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ जाए। और मैं गारंटीड बता रहा हूँ कि नाउंस के ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत एग्जाम्स में आते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अब जो ग्रामर बेस्ड वीडियोज़ हैं मैं बहुत जल्दी और भी वीडियोज़ आपको सेंड करूँगा, ताकि आपके TGT PGT या और भी कोई एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उसमें ये सभी वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल होंगी। क्योंकि ग्रामर तो किसी भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगे, CTET, TET, TGT, PGT और कोई जनरल कंपटीशन, उन सभी में ग्रामर तो आती ही आती है और ये आपको बहुत हेल्पफुल भी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोज़ का पता चलता रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द डालूंगा और वो नेक्स्ट रूल पर होगी, प्रोनाउन या एडजेक्टिव किसी पर भी हो सकती है, लेकिन आप रेगुलर बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए और अप्रिशिएट कीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है, हालांकि उस लाइक का हमें कुछ भी नहीं मिलता है, ना सब्सक्रिप्शन का कुछ मिलता है, ये आप समझते ही हैं। तो ठीक है, आप सभी का मुझे सुनने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।